हाय दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आप सभी का आपके अपने चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित में स्वागत करता हूँ। आज हम एसएससी एमटीएस का चौथा वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम जीके के 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है। जनसंख्या में जो 1000 पुरुष पर एक महिलाएं गिनी जाती हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक। अब भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है? तो भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में है, जिसमें केरल में मतलब 1000 पुरुष पे 184 महिलाएं हैं। ठीक। और दूसरे नंबर पे पुडुचेरी है, जिसमें 1000 पुरुष पे 238 महिलाएं हैं। 184 मतलब 1084। ठीक। और दूसरे नंबर पे पुडुचेरी है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, इसमें 1000 पुरुष पर 877 महिलाएं हैं। मतलब हरियाणा में महिलाओं की कमी है। हो गया लिंगानुपात। अब देखते हैं साक्षरता दर क्या है। तो भारत में सबसे अधिक साक्षर वाला राज्य केरल है और सबसे कम साक्षर राज्य बिहार है। बिहार किस लिए कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार सबसे कम साक्षर वाला राज्य है। और एनओएस की रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षर वाला राज्य आंध्र प्रदेश है और सबसे अधिक साक्षर वाला राज्य केरल है। ठीक। इसमें कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है। सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य केरल और सबसे कम साक्षर वाला राज्य आंध्र प्रदेश और बिहार। बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार है और आंध्र प्रदेश एनओएस रिपोर्ट के अनुसार है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फीफा, पहले देखते हैं फीफा विश्व कप है क्या। फीफा एक फुटबॉल का विश्व कप होता है, तो वही इसका फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। ठीक। तो जो फुटबॉल का विश्व कप होता है, वो आपकी बार कहाँ हुआ है 2022 में, किस देश में हुआ? तो वह कतर में हुआ है। इसका सही उत्तर पहला ऑप्शन हो जाएगा कतर। पहला ऑप्शन सही हो गया। अब फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो हैं। अब जानते हैं आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप होने वाला है, 2023 का आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप कहाँ होगा? भारत में होगा, इतना हम जानते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस राज्य में नाटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो भारत के तमिलनाडु राज्य में नाटंजलि उत्सव मनाया जाता है, तमिलनाडु में। अब उत्तर प्रदेश में क्या क्या मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में कजली मनाया जाता है, त्रिवेणी मनाया जाता है, इलाहाबाद में मनाया जाता है उत्तर प्रदेश के। राजस्थान में कौन सा मनाया जाता है? राजस्थान में मारवाड़ उत्सव, मरु महोत्सव, ऊँट महोत्सव। अब मरु मतलब मरुस्थल से मरु महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। ऊँट जो कि मरुस्थल में चलते हैं, तो इसलिए ऊँट महोत्सव भी राजस्थान में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन से हमें नई जानकारी मिली। अब चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटे राज्यों के कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या होती है, तो राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अब जैसे मालूम होना चाहिए आपको कि सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीट किस कहाँ है। तो सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीट यूपी में है। यूपी में कितनी है? 403 विधानसभा की सीट हैं। अब जब सबसे ज़्यादा विधानसभा 403 सीट हैं, तो हम ऑप्शन से देख सकते हैं कि 600 से 1000 के बीच में तो विधानसभा की सीटें नहीं होंगी, 50 से 400 के बीच में नहीं होंगी क्योंकि 403 है, 10 से 100 के बीच में भी नहीं होंगी क्योंकि 403 है, और 60 से 500 के बीच में हो सकती है। ठीक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 60 से 500। अब जानते हैं कि हम यूपी में सभी सीटें सबसे ज़्यादा हैं। भारत में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीट यूपी में है 403, सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट 80, सबसे ज़्यादा विधान परिषद की सीट
100, सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीट 31 सब यूपी में हैं। विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद, राज्यसभा सभी की सीटें यूपी में सबसे ज़्यादा हैं। एक क्वेश्चन सीपीओ में भी आया था कि सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें कहाँ हैं, किस राज्य में। यह सीरीज एमटीएस, सीपीओ, सीजीएल, सीएचसीएल, एसएससी की किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए। अभी हम 3 वीडियो इसके पहले भी बना चुके हैं, उसे भी जाके देखिए, प्लेलिस्ट में अपलोड है। और भी कल से एसएससी सीजीएल का वीडियो आएगा और सीएचसीएल का भी आएगा, तो तीनों वीडियो डेली 3 वीडियो आएगा, आप लोग देखते रहिए। अब देखते हैं, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी कौन सा शहर था है। तो भूटान की राजधानी कौन सा शहर है, भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। अब देखिए, एक क्वेश्चन का आंसर सही किया गया था, एसएससी के ऑफिशियल आंसर की है, ठीक। भूटान का राजधानी थिम्पू, ये सही किया गया था लड़के के द्वारा। अब देखिए, अब बीजिंग कहाँ की है, बीजिंग चाइना की है। ढाका कहाँ की है, ढाका बांग्लादेश की है। थिम्पू भूटान का है। और पारो को कहीं की राजधानी नहीं है, पारो एक भूटान का शहर है। अब अगला क्वेश्चन, छठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार, हिंदू त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो बोनालू देवी तेलंगाना में मनाया जाता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन गलत कर दिया था लड़की ने, दूसरा ऑप्शन मार दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। अब तेलंगाना में बोनालू मनाया जाता है, तो असम में क्या मनाया जाता है, असम में बिहू मनाया जाता है, केरल में ओणम मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में मटकी। एक क्वेश्चन एसएससी सीएससीएल में आया था कि मटकी किस राज्य का उत्सव है, तो मटकी मध्य प्रदेश का उत्सव है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रकार की महापाषाण संरचना कब्र में, या कब्र में चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति के में स्थापित किया जाता है। तो इसका नाम संगोरा वृत्त हो जाएगा, कौन सा, संगोरा वृत्त। कब्र के चारों ओर पत्थर को गोलाकार रूप में बिछाते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंग पित्त रस स्रवित करती है। तो यकृत जो है, इसका सही उत्तर यकृत हो जाएगा। अब नवे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपये की करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं। 1 रुपये किसके, वित्त मंत्रालय द्वारा 1 रुपये के सिक्का या करें नोट होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन ये भी आया था कि इंपीरियल बैंक का नाम SBI कब पड़ा था। तो 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम SBI पड़ा था, ठीक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के विचार को कहाँ से लिया गया था। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका से, इसका सही उत्तर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया था। ब्रिटेन से एकल नागरिकता का सिद्धांत लिया गया था और संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई थी। और ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई थी और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया था, तो मौलिक अधिकार लिया गया था और प्रस्तावना लिया गया था। अब यहाँ कन्फ्यूजन नहीं हुई, प्रस्तावना तो अमेरिका से लिया गया था, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। और आयरलैंड से क्या क्या लिया गया था,
आयरलैंड से नीति निर्देशक के तत्व और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति आयरलैंड से ली गई थी। शास्त्रीय किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम का। ये क्वेश्चन हम पिछले में भी करा चुके हैं क्योंकि पिछले भी सेट में आया था। तो अब देखिए, हम पिछले में बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि शास्त्रीय नृत्य आठ होते हैं और शास्त्रीय भाषाएं छः होती हैं। तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं है कि शास्त्रीय नृत्य आठ और शास्त्रीय भाषाएं छः होती हैं। तो अब देखिए, आठ भाषाएं कौन कौन से होती हैं? कथक, जो कि उत्तर भारत में होती है, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों केरल में होती हैं, मोहिनीअट्टम कथकली केरल, मणिपुरी मणिपुर में, और ओडिशी उड़ीसा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, शास्त्रीय असम में। इसका सही उत्तर हो जाएगा शास्त्रीय किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? असम की। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी? गोदावरी गिरती है। तापी, माही, नर्मदा अरब सागर में गिरती है। इसका सही उत्तर पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब ये लड़का चौथा ऑप्शन माना था तो इसका एक गलत हो गया था। अब देखिए, जैसे कि ये हमारा भारत का मैप था, तो यहाँ से बाकी तापी सभी नदियाँ अरब सागर में गिर गई और गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिर गई। तो बंगाल की खाड़ी इस तरफ है, अरब सागर इस तरफ है। और जो माही नदी है, एक कर्क रेखा को दो बार काटती है, ठीक। जैसे कर्क रेखा ऐसे गई रहती है, देखिए कर्क रेखा ऐसे गई है, तो माही नदी यहाँ से चल के ऐसे गई है, दो बार काटी है। और देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में कौन सा भारतीय इतिहास में पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो जो स्टार थी नर्तकी, मतलब हीरोइन, इन्हें सबसे पहले किसे राज्यसभा में स्थान दिया गया था, सदस्य के रूप में नामित किया गया था? सबसे पहले रुक्मणी देवी अरुंडेल को स्थान दिया गया था। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें भी लड़का गलत किया था, चौथा ऑप्शन सही मारा था, सरोज खान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने टोक्यो ओलंपिक 2022 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? एक क्वेश्चन ज़्यादातर सभी को मालूम है कि भाला फेंक में नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक दिया गया था। इसका सही उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा, 2020 में टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब डैश में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियां, तापमान, आर्द्रता, जल, जलवाष्प, रेत इत्यादि। तो कहाँ ये सभी निर्जीव घटक उपस्थित होते हैं? अजैविक वातावरण में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजैविक वातावरण, दूसरा ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या लिथियम की है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर लिथियम, पहला ऑप्शन, ठीक। ये क्वेश्चन नहीं किया गया था लड़की द्वारा, इसलिए इस पर कुछ नहीं लिखा, चूज ऑप्शन पे लिथियम इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। कि भारत नहीं, निम्नलिखित में किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? तो लिथियम के परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है। अब क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम में कि सबसे कम परमाणु त्रिज्या वाला तत्व, सबसे कम परमाणु त्रिज्या वाला तत्व क्लोरीन है, ठीक। और सबसे भारी धातु किस कौन सी है? सबसे भारी धातु ऑस्ट्रेलियम है, ठीक। और सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। अब जानिए, लिथियम का परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है, लेकिन ये धातु सबसे हल्की धातु है, ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 2021 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में खेले गए मैचों की मेजबानी में किन देशों ने की थी? तो 2021 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप हुआ था, इसे पहले सबसे पहले जीता कौन था?
इसे सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया जीती थी, ठीक, और 2022 वाला इंग्लैंड जीती थी। 2021 में ऑस्ट्रेलिया जीती थी, 2022 में इंग्लैंड जीती थी। इंग्लैंड पाकिस्तान को हरा के जीती थी। तो ये सब, ये 2021 वाला मैच कहाँ हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी जीता थी, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में। और 2023 का वर्ल्ड कप कहाँ होगा? भारत में। और 2022 का T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। आप लोग कन्फ्यूजन नहीं हुई ये? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को क्या कहा जाता है? तो समुद्र भृग कहा जाता है, ठीक। इसका सही ऑप्शन तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी लड़के द्वारा नहीं किया गया था। अब देखिए, पंडित रविशंकर से क्वेश्चन SSC बहुत ज़्यादा पूछता है, चाहे CPO हो, चाहे CGL हो, चाहे CSL हो, MTS हो, किसी भी CGL के हर तीसरे चौथे शिफ्ट में पंडित रविशंकर जरूर रहते हैं SSC के किसी भी एग्जाम में। अब देखिए इसमें क्या बताया गया, क्योंकि हम चार सेट करा चुके हैं, चार के चारों में पंडित रविशंकर के बारे में कुछ ना कुछ जरूर बताए हैं। अब देखिए, पंडित रविशंकर से क्वेश्चन यहाँ क्या है कि पंडित रविशंकर 1967 में इनमें से किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो जो वेस्ट मीट्स ईस्ट एल्बम था इनका, इन्हें 1967 में ग्रैमी पुरस्कार मिला था, ठीक। अब पंडित रविशंकर कौन है? पंडित रविशंकर एक सितार वादक। पंडित रविशंकर के साथ साथ और कौन है इसमें? बंदे हसन और उमा शंकर भी सितार वादक हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन पे अब चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम आए, क्वेश्चन नंबर 20। अकबर का राजस्व मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल थे। सही ऑप्शन दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। यह राजस्व मंत्री और वित्त मंत्री दोनों थे, ठीक। और बीरबल कौन से मंत्री थे? बीरबल न्यायिक मंत्री और विदेश मंत्री थे। बीरबल विदेश मंत्री और न्यायिक मंत्री थे। राजा मानसिंह कौन थे? ये जो राजा मानसिंह हैं, इनके सेना प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में किसने 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज, जिसे 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बनाया था, को पुनर्जीवित किया? अब इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, एक क्वेश्चन हो गया। क्या 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने बनाया था? अब ऑप्शंस में कभी कभी मोहन सिंह सोहन सिंह में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होइए, मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, मोहन सिंह और रास बिहारी बोस। और 1943 में राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज को पुनर्जीवन किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने इसे पुनर्जीवन दिया। सही ऑप्शन दूसरा ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बाईस क्या कहता है? अल्लूरी सीता राम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? अल्लूरी सीता राम राजू आंध्र प्रदेश। इसका सही ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। अल्लूरी सीता राम राजू भारत के आंध्र प्रदेश के राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। ये क्वेश्चन लड़के द्वारा नहीं किया गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना भारत के किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो जगन्नाथ से कोर्स भी है, ज़्यादातर आंध्र प्रदेश इसका होता है उत्तर। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना आंध्र प्रदेश से शुरू की गई। और मध्य प्रदेश से क्या शुरू किया गया? मध्य प्रदेश से किसान कल्याण योजना, उड़ीसा से कालिया योजना, किसानों के लिए कालिया योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, कालिया योजना उड़ीसा से शुरू की गई। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पाए जाते हैं, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं।
जैसे सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में, ये वहीं पर सुंदरी भी छिपाए जाते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पे। इसका सही ऑप्शन पहला ऑप्शन हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं, गान गर्ल नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी? तो गान गर्ल किसने लिखी थी? गिलियन फ्लिन ने लिखी थी गान गर्ल नामक पुस्तक, गिलियन फ्लिन। और डेमन गलगुट हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं डेमन गलगुट। देखिए डेमन गलगुट जो हैं, इनकी एक पुस्तक है द प्रॉमिस, जिसे जिस द प्रॉमिस के लिए 2021 में इन्हें बुकर पुरस्कार मिला था। तो डेमन गलगुट की पुस्तक कौन सी है? द प्रॉमिस। इसे बहुत ज़्यादा एक कई बार SSC के एग्जाम में आ चुकी है कि द प्रॉमिस किसके, द प्रॉमिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डेमन गलगुट हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखा और वीडियो का शेयर भी, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया शेयर भी अपने दोस्तों को करिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक भी करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।